नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है। आम जनता को योगी सरकार के इस फैसले से काफी उम्मीदें हैं। लोग इस नई व्यवस्था से क्या उम्मीद रखते हैं, इस पर हमने नोएडा के लोगों से बातचीत की। कमिश्नरी अगर लागू हुआ है, इसमें बेस्ट है ये चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर कोई पुलिस अधिकारी है, उसको दिखता है कहीं पर क्राइम हो रहा है या किसी तरह का दंगा होने वाला है या किसी भी तरह की दिक्कत होने वाली है, तो अगर पुलिस के हाथ में पावर रहेगी ये चीज़ अच्छा है कि पुलिस के हाथ में पावर है और डिसीजन खुद ले सकती है। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, उनको ऊपर से आदेश लेने पड़ते थे, अपने मंत्रियों से आदेश लेने पड़ते थे, DM से आदेश लेने पड़ते थे, लेकिन इस टाइम पे ये होगा कि पुलिस अपने हाथ से खुद डिसीजन लेगी, तो कई बहुत सारे चांसेस हैं कि क्राइम कम होगा इस चीज़ में। DM हटाने के बाद जो कमिश्नर होगा वो कैसा होगा, कैसे कैसे IPS आएंगे, उसमें कैसे तरीके लागू होंगे उनके। लेकिन ये है कि जहाँ तक दिल्ली में भी कमिश्नरेट है, वहाँ से जैसे डील होता है, वहाँ जो पुलिस व्यवस्था है वो बहुत अच्छी चलती है, तो हो सकता है नोएडा का भी उसी तरह से बदलाव चेंज हो और अच्छा हो। पुलिस तो मतलब जो अपना काम कर ही रही है करती है, परंतु ऐसा है कि नई व्यवस्था से जो हमारे यहाँ पुलिस कमी थी वो पूरी हो गई है, हो रही है, और उससे व्यवस्था सुधरेगी, इसके आगे ग्रेटर नोएडा नोएडा की परिस्थिति सुधरेगी। देखो ये तो जब कमिश्नरी लागू हुआ है तो इसमें सुधार तो आना ही आना है, क्योंकि कमिश्नरी से मैं इतना जानता हूँ जिस जगह कमिश्नर होती है वहाँ पर अच्छा मतलब इतनी ही वो नहीं होती है जैसे कि गुंडागर्दी हो, और कमिश्नरी दूरी पे होती है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गुंडागर्दी होती है। हो गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, गुंडागर्दी पर अंकुश लगेगा, सब सामान्य लोग अपना खाएंगे कमाएंगे, बड़े परेशान थे, बस यही बात है, दो चार हम पे तो और का लागू होने से क्या है कि ये सहयोग देंगे और इसको डायरेक्ट रिपोर्ट होगी तो तुरंत एक्शन होगा तो आपके जितने भी अवांछनीय तत्व जो गलत काम करते वो तुरंत पकड़े जाएंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक क्या था, कोई भी अप्रूवल लेने के लिए, हर अप्रूवल के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इसमें इंटरफेयर रहती थी, तो उससे हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, और कोई भी डिसीजन हमें नोएडा के रिलेटेड लेना पड़ेगा तो डिसीजन यहीं से ले सकते हैं, उसके लिए किसी इलाहाबाद या किसी भी बाहर वाली मतलब पुलिस की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, यहाँ का माहौल अच्छा रहेगा, जो लोकल इन्वॉल्वमेंट था वो कम हो जाएगा पहले। लेकिन एक तरह से देखा जाए कंपैरिजन में कि दिल्ली और नोएडा के में, तो नोएडा की पुलिस थोड़ी सी वो रहती है, शांत रहती है थोड़ी, मतलब दिल्ली के मुकाबले। लेकिन अब हाँ पूरी संभावना, हाँ हाँ पूरी संभावना है कि पुलिस अब जैसे दिल्ली पुलिस हमारी है, वैसे ही अब नोएडा पुलिस भी हमारे तरफ मतलब पूरी वो रहेगी, हाँ सहयोगी रहेगी। अब देखिए बहुत सारे केसेस में तो आ पाएंगी, लेकिन उसका मिसयूज़ भी बहुत जगह पे भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, पुलिस अपने पर्सनल इश्यूज को भी उसके अंदर लाके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, जहाँ पे दो तीन जगह लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि पुलिस क्या है कि ऐसा नहीं है कि अपने एंड पे ही सारी चीज़ों को मान लेगी, नहीं यही सही है या गलत है, तो दो तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो तीन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों में ये तो फ़र्क तो पड़ेगा ही कि कुछ चीज़ों में थोड़ा सा जो गुंडे हो गए या फिर लोकल गैंगस्टर हो गया, थोड़ा सा डर तो आएगा कि पुलिस के हाथ में सत्ता चली गई तो पुलिस कुछ भी एक्शन ले लेगी।